श्री रणधीर सिंह जी 30/4/2022 को अपनी सेवा के 58 वर्ष पूर्ण करने के उपरांत सेवानिवृत्त हुए हैं। ये अपने सेवा काल में पूरी सेवा के दौरान विभाग को पूर्णतः समर्पित रहे हैं, पूर्णतः ईमानदार, समय के प्रति पाबंद और बच्चों को सही समय पर शिक्षा के साथ साथ जीवन में आने वाली कठिनाइयों को या चुनौतियों को कैसे हल किया जाए ये बातें भी इन्होंने बच्चों को शिक्षा के साथ साथ बताई। अभी मैं इनसे एक निवेदन करना चाहूंगा कि भले सरकारी सेवा से तो विदाई हमारी हो जाती है, लेकिन सामाजिक जिम्मेवारियों से व्यक्ति कभी भी विदा नहीं होता। वो अपने आगे की जो जीवन की पारी है वो सामाजिक दायित्वों को निभाने के लिए पूर्ण निष्ठा के साथ समाज से जुड़े रहें और समाज में जितने भी विसंगतियां आई हुई हैं या किसी भी प्रकार की कोई सामाजिक बुराई है, कोई कठिनाई है, उन सब को दूर करने के लिए अपना परिश्रम ईश्वर लगाएंगे। उनसे अक्षमा प्रार्थी हम ये कहेंगे कि उन सब बातों को भुला करके आप केवल और केवल प्यार लेके दिल में प्यार। श्री रणधीर सिंह जी को नमस्कार करता हूँ। इनके मार्गदर्शन में हमने काफी कुछ सीखा है। आदरणीय क्लस्टर भाई दया सिंह जी, हमारी बिटिया प्रियंका, एकता, सुरेश, विपिन, हमारे सर के साथ जो घर से आए हैं और हमारे आंगनबाड़ी के जो वर्कर हैं, हेल्पर हैं, प्यारे बच्चों, आज के इस शुभ अवसर पर मैं आप सभी को हार्दिक बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हमारे बीच एक ऐसी पर्सनालिटी सेवानिवृत्त हो रही है जिनसे हमने काफी कुछ सीखा है। इनके सर्विस पे एक नजर डालने तो मैं आपको बताना चाहूंगा, इन्होंने मैट्रिक की परीक्षा गवर्नमेंट हाई स्कूल ब्रानू से पास की, उसके बाद उन्होंने अपना ग्रेजुएशन वेस्ट कॉलेज भिवानी से किया, बीएड की डिग्री उन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज भिवानी से प्राप्त की, उसके बाद ये प्राइवेट सेक्टर में गए 1990 में एज ए स्टोर कीपर, स्टोर ऑफिसर, उसके बाद उनको 15/12/2004 को गवर्नमेंट जॉब में गवर्नमेंट हाई स्कूल खानक में एज एएसएस मास्टर इनकी नियुक्ति हुई। इनके बाद ट्रांसफर होने के
सरपंच जी, सीआरसी महोदय, सभी पारिवारिक सदस्य, भाई साहब, बेटे और बेटियां, आंगनबाड़ी के वर्कर, प्यारे बच्चे, देखो आप सभी को पता है, कुलवंत जी ने बता दिया, लज्जा जी ने बता दिया विस्तार से, भाई साहब के साथ मेरे को काम करने के लिए लगभग 2.5 साल का समय मिला है। अमीन का देखा एक ऐसा व्यक्ति था, समय का जैसे लज्जा जी ने बताया चाबी ढूंढा करते, समय पर आना, समय पर जाना, और हमारी तो काफी बातें साझी होती थी। तो मैं तो लंबा चौड़ा नहीं कहता हूँ, परमपिता परमात्मा से यही प्रार्थना करता हूँ कि इनका जो शेष जिंदगी है वो खुशियों से भरी हो, और ये कोई सामाजिक कार्य करें अपना कोई ऐसा, मैं तो पहले भी कहा करता था भाई साहब घर में ही बैठना, भाई एक शेड्यूल बना के ऐसा काम करना है ताकि दिनचर्या बनी रहे। तो इनको बधाई देता हूँ और इनके मंगलमय जीवन की कामना करता हूँ। इनके आने वाले उज्ज्वल भविष्य की बधाई देता हूँ, कामना करता हूँ कि अच्छा रहेगा। सभी ने कहा कि वैसे तो अध्यापक का जो कार्यकाल कभी खत्म नहीं होता, सीखना और सिखाना दोनों काम चलते रहते हैं जीवन भर। बिटिया प्रियंका और एकता दोनों आए, राकेश जी को रणधीर जी दाई देके सम्मानित करेंगे। तमन्नाओं से भरी हो जिंदगी, ख्वाहिशों से भरा हो हर पल, दामन भी छोटा लगने लगे, इतनी खुशियां दे आपको आने वाला कल, हम इनके खुशहाल जीवन के लिए कामना करते हैं। अब मैं चाहूंगा हमारे स्कूल के मुखिया श्री कुलवंत जी से कि बोलाएं आदर व सम्मान योग सी आर सी महोदय, राजेश जी, हेडमास्टर साहब, अध्यापक साथी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, प्यारे बच्चों, इस विद्यालय आने के बाद साथी से भी मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है और इनका भरपूर सहयोग है। लज्जे जी ने बहुत बढ़िया ढंग से सारे शब्दों में विस्तार से शुरू से लेकर आखिर तक श्री रणधीर जी के जीवन पर प्रकाश डाल दिया। आप लोग यहाँ आए इसके लिए हम आपके आभारी हैं। श्री राजेश जी तो सुबह से हमें कॉन्टेक्ट कर रहे हैं, सुबह से बता रहे हैं कि सेवा निवृत्ति पर कार्यक्रम कैसे कार्यक्रम था। मुझे अपने सतर पर यह कमी खल रही है कि वो बिटिया आई और काफी शिक्षित दूर हुई हो सारा की तरफ से नया बात सारा की तरफ से नया बात कोई गलती हो क्यों आप इसमें क्यों लेकर के आओ ना इस तरफ से आए हैं पूरे स्टाफ की तरफ से। तो उसको दिल में नहीं रखना, भूल के जाना है, केवल और केवल प्यार प्रेम लेकर जाना है, विदाय प्यार छोड़े और आगे का जो जीवन है वो जैसे मैंने बताया मेरी को हार्दिक इच्छा है क्योंकि अध्यापक तो वैसे कभी भी दादा होता ही नहीं है ना कभी वो रिटायर्ड होता है,
तो आगे का जो जीवन है, सामाजिक बुराइयां हैं उनको दूर करने में जो भी आप योगदान कर पाए, आप एक तो अपने आप की लाइफ को व्यवस्थित कर पाएंगे, दूसरा समाज को कुछ योगदान दे पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। हेलो गाइज, कैसे हो? मैं आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे ही होंगे। हमारे चाचा के रिटायरमेंट का प्रोग्राम देखकर एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।